नमस्कार दोस्तों मैं दिनेश संधु आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एच क्यू टेस्ट सीरीज के पार्ट वन को ये टेस्ट सीरीज़ मैंने तैयार की है और इस टेस्ट सीरीज के अंदर हंड्रेड क्वेश्चन होंगे और हर पार्ट के अंदर बीस क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे पाँच पार्ट इसके होंगे तो आज हम डिस्कस करेंगे पहले बीस क्वेश्चन को और ये पहला पार्ट है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी बहुत जल्दी मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएंगे तो आपने जो तैयारी की है इस एंट्रांस के रिगार्डिंग तो यहाँ से पता लग जाएगा कि आपने कितनी तैयारी की है या फिर आपको कितनी ज़रूरत है और तैयारी करने की तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया कम्प्राइज ऑफ ए टू नाइन्टी टू मेम्बर्स फ्राम ब्रिटिश प्रोविंसेस फोर फ्रॉम चीफ कमिश्नर्स एंड नाइन्टी थ्री फ्राम प्रिंसली स्टेट्स बी टू नाइन्टी फोर मेंबर्स फ्राम ब्रिटिश प्रोविंस फोर फ्राम चीफ कमिश्नर्स एंड नाइन्टी वन फ्राम प्रिंसली स्टेट सी टू नाइन्टी वन मेंबर्स फ्राम ब्रिटिश प्रोविंस थ्री फ्राम चीफ कमिश्नर्स एंड नाइन्टी फाइव फ्राम प्रिंसली स्टेट एंड डी टू नाइन्टी टू मेबर्स फ्राम ब्रिटिश प्रोविंस फाइव फ्राम चीफ कमिश्नर्स एंड नाइन्टी टू फ्राम प्रिंसली स्टेट तो इसका जो सही आंसर है वो है ए टू नाइन्टी टू प्लस फोर प्लस नाइन्टी थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द कंस्टिट्यूट असेंबली वॉज सेटअप अंडर द प्लान क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन प्लान वेबल प्लान एंड नेहरू रिपोर्ट तो इसका सही आंसर है वो है बी कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946 के अंदर आया था थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है हु वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इसका जो सही आंसर है वो है सी यानी कि बी एन राव और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एंट्रांस के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बी आर अम्बेडकर बी एन राव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर इज सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हालांकि जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा लेकिन वो टेम्प्रेरी पीरियड के लिए थे तो उसके बाद जो पहले जो एक परमानेंट पीरियड के लिए बनाए गए थे वाई इलेक्शन बनाए गए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज हेल्ड इन द ईयर ऑफ इसका सही आंसर है डी 1946 नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूवड इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑन 10 दिसंबर 1946 26 जनवरी 1950 नवंबर 26 1946 एंड नवंबर 26 1950 इसका सही आंसर है वह ए दिसंबर 13, 1946 को और इसको अडॉप्ट किया था बाईस जनवरी 1947 को नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ हैज बीन टेकन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम डी ब्रिटेन ये इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन द फाइनल फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हाउ मेनी आर्टिकल एंड शेड्यूल वर देयर ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका राइट right आंसर है डी थ्री नाइन्टी फाइव आर्टिकल एंड एट शेड्यूल तो ये जो है वो एक जो फर्स्ट टाइम ये हमारे संविधान का प्रारूप था उस समय हमारे संविधान के अंदर तीन सौ पचानवे अनुच्छेद थे और आठ जो है वो शेड्यूल थे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बस और डॉक्टर बाई कंस्टिट्यूट असम्बली ऑन इसका सही आंसर है डी ट्वेंटी सिक्स नवम्बर नाइनटीन फोर्टी नाइन उसके बाद हमारे संविधान को लागू किया गया था छब्बीस जनवरी नाइनटीन फिफ्टी को उसको हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है फॉर हाउ मेनी ईयर्स मंथ एंड डेज डेट द कंस्टिट्यूट असेंबली वर्क ऑन कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट आंसर इज टू ईयर इलेवन मंथ्स एंड एटीन डेज नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म सोशलिस्ट सेकुलर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ड को कब ऐड किया गया था और किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग एग्जाम के अंदर द राइट आंसर इज फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स जिसको हम एक मिनी कंस्टिट्यूशन भी बोलते हैं और ये अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के रिगार्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड श्रेंस द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फोटर्निटी मेनली इंस्पायर्ड बाय द राइट आंसर इज सी फ्रेंच रेवोल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच आर्टिकल स्टेट्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन मे बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट आंसर इज डी आर्टिकल थ्री नाइन्टी फोर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द सिक्वेंस इन विच द गिवन टर्म्स आर मैं इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए सोबरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये पहला है बी सोशलिस्ट सेकुलर सोब्रेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सी सेकुलर सोशलिस्ट सोब्रेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड डी सोब्रेन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक इसका जो सही आंसर है वो है ए सोब्रेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ट्रिपल एस डी आर बी बोलते हैं लेकिन जो इसका जो सिक्वेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आया है और ये क्वेश्चन लास्ट टाइम जो एच पी यू का एल एल बी एंट्रांस था

ए के एम मुंशी वी एर्नस वर्कर सी डी डी वासु एंड डी वी आर अम्बेदकर द राइट आंसर इज बी एर्नस वर्कर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है इन बिच के सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट द प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसका जो तो सही आंसर है वो मेरे ख्याल से आप सभी को मालूम होगा ए केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला कभी कुछ दिन पहले इनकी डेथ हुई है तो ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे संविधान के रिगार्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए एंड अफ्रमेशन बी लैंग्वेज सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड डी पंचायती राज द राइट आंसर इज बी लैंग्वेज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बाय सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट विस शेड्यूल इज एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए लैंग्वेज बी म्यूनसिपलिटी सी पंचायती राज एंड डी ओथन अप्रमेशन द राइट आंसर इज वी म्यूनसिपलिटी और सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट से पंचायती राज शेड्यूल को ऐड किया गया था जो हमारा इलेवन शेड्यूल है वो बात करता है पंचायती राज सिस्टम की और जो हमारा बारहवा शेड्यूल है वो बात करता है म्यूनसिपलिटी की लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है जुडिशियल रिव्यू फीचर इज वॉरड फ्रॉम ए यूएस ए बी ऑस्ट्रेलिया सी कैनेडा एंड डी जापान द राइट आंसर इज ए यू एस ए मैंने इसके रिगार्डिंग भी एक अलग से वीडियो बनाई है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वहाँ मैंने डिटेल में चर्चा की है कि किस देश के संविधान से क्या चीज़ हमारे देश के संविधान के अंदर ली गई है तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम है चाहे वो आपका आर एल का एंट्रांस है या फिर कोई भी कंपिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं मैंने चाहे वो प्रियम्बल है चाहे वो सोर्सेज हैं चाहे वो हिस्ट्री है उसके रिगार्डिंग मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो बनाई है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर अब लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे छोड़ता हूँ जिसका आंसर आप मुझे देंगे वो क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट ए गवर्नर बी इलेक्शन कमिश्नर सी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डी प्राइम मिनिस्टर इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे या फिर आप मुझे मैसेज करके भी इसका आंसर दे सकते हैं तो यही था आज के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए कोई क्वेश्चन है क्वेरी है या फिर मेरे सुझाव है वो भी कमेंट कीजिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग